नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे तो ये बहुत टमाटर और क्रीमी ग्रेवी में बनेगी। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है, बड़ों को भी पसंद आती है। आप बनाकर देखिए एक बार, बहुत क्रीमी टमाटो ग्रेवी वाली पनीर की सब्ज़ी बनेगी ये, और बनाना भी बहुत ईजी है। तो आइए बनाते हैं इसे। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, थोड़ी किशमिश ली है इसको मीठा टेस्ट देने के लिए, और काजू लिए हैं, तरबूज के बीज हैं, खसखस हैं, और थोड़ा सा नारियल है। ये सब मैंने एक एक डेढ़ डेढ़ चम्मच लिए हैं। और गरम मसालों में देखिए, जीरा है, काली मिर्च के 8-10 दाने, लौंग है 8-10, दालचीनी है, इलायची है और बड़ी इलायची है। तो ये सब गरम मसाले लेने हैं हमें। ये मैंने 4 प्याज को स्लाइस कर लिया है, और अगर 4 प्याज हम लेंगे तो मैंने यहाँ 8 टमाटर लिए हैं। और टमाटर आप ये सलाद वाले टमाटर लें, खट्टे वाले देसी टमाटर नहीं लेने हैं, इसी से ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। ये 300 ग्राम पनीर लिया है, और जो दूध पर फ्रेश जो क्रीम आती है हमें वो लेनी है, मलाई एक कटोरी, और थोड़ा सा लहसुन अदरक लेना है। और इसको और क्रीमी बनाने के लिए हम इसमें दूध का यूज़ करेंगे। तो आइए बनाते हैं इसे। तो देखिए, कढ़ाई में हम अच्छे से तेल को गर्म कर लेंगे, और उसमें सारे खड़े गरम मसाले डाल देंगे। तेल यहाँ अच्छे से गरम होना चाहिए, तभी इसकी खुशबू मसालों की आएगी हमें। और यहीं हम लहसुन अदरक डाल देंगे, इसे 1-2 मिनट कुक करेंगे, और स्लाइस किए हुए प्याज डाल देंगे। तो हमें गैस को हाई ही रखना है, फ्लेम को, और इसे ब्राउन होने तक कुक करना है। देखिए प्याज कितने अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब यहीं हम टमाटर डाल देंगे, और जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो सभी हम यहाँ डाल देंगे। तो ये टमाटर के साथ बहुत अच्छे से कुक और सॉफ्ट हो जाएंगे। और हम नॉर्मल जो घर में मसाले यूज़ करते हैं वही मसाले इसमें हमें डालने हैं, तो मसाले भी हम यहीं डाल लेते हैं। ये थोड़ी सी लाल मिर्च ली है, ये सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, कम या ज़्यादा। थोड़ा सा हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर और नमक। अब इन सबको हमें मिलाना है, और टमाटर के सॉफ्ट होने तक और मसाले को ऑयल छोड़ने तक कुक करना है, क्योंकि बाद में हम जब दोबारा इसे कुक करेंगे तो ग्रेवी को ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, इसीलिए मसालों को अभी अच्छे से पका लेना है। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गए हैं, और ऑयल भी छोड़ दिया है। अब इसे हम बिल्कुल ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो गैस बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने का वेट कीजिए। देखिए मसाले हमारा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा मसाला लेकर मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे, और ध्यान रखिए मसाला ठंडा ही हो। और यहाँ दूध डालेंगे, गरम मसाला होगा तो ये फट जाएगा। तो देखिए दूध डालेंगे और इसे हम पीस लेंगे। तो देखिए कितनी क्रीमी ग्रेवी बन गई है हमारी। और मलाई को हमें यहीं डालना है इसे अच्छे से पीसने के बाद, क्योंकि मलाई को हमें ज़्यादा मिक्सी में नहीं चलाना है, सिर्फ कुछ सेकंड्स को हम चलाएंगे ताकि ग्रेवी में ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए कितने अच्छे से क्रीमी ग्रेवी तैयार हुई है। बाकी का मसाला भी हम इसी तरह पीस लेंगे। आप चाहें तो इसे छान सकते हैं, और बिना छाने भी चूज ले सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा पर है। तो देखिए अब जिस कढ़ाई में हमने मसाला बनाया था उसी में हम इसे वापस डाल देंगे, और गैस ऑन कर लेंगे। यहाँ बटर या ऑयल कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा नहीं पकाना है इसे हमें। और इस ग्रेवी में हम पनीर डालेंगे, और कसूरी मेथी आप ज़रूर डालें, उसी से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। गरम मसाला वगैरह सब हम डाल चुके हैं, अब कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। आप इसे मिलाइए, और एक बॉईल आने तक हमें सिर्फ इसे कुक करना है। और ये बहुत अच्छी क्रीमी ग्रेवी वाली सब्ज़ी हमारी तैयार है। एक बॉईल आ गया, अब इसे बंद कर दें, और ऊपर से थोड़ा कसा हुआ पनीर डाल दें। तो ये सर्व करने के लिए रेडी है। तो इसे आप पराठों के साथ खाइए, नान के साथ खाइए। तो ये देखिए कितनी अच्छी टमाटो ग्रेवी की पनीर की सब्ज़ी रेडी है। ये मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, आप बनाइए, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।